दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी की बिल्कुल ही नई दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको फैक्ट्री में फूड तैयार करने वाली ऐसी ऐसी एडवांस मशीनें दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप भी यही बोलेंगे, क्या बात है। लेकिन दोस्तों, जानकारी भरा सफर स्टार्ट करने से पहले हमारे वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत करके बनाई है। चलिए शुरू करते हैं। मशरूम हार्वेस्टिंग मशीन। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि मशरूम एक बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है। देखिए दोस्तों, फैक्ट्री में इस तरह से अलग अलग चैम्बर बनाकर मशरूम की खेती की जाती है, जिससे मशरूम को उगने के लिए ठंडा माहौल मिलता है। और इस तरह से मशरूम को उगाने के पीछे एक वजह ये भी होती है कि अगर आप मशरूम को हाथों से तोड़ते हैं तो इसमें समय भी बहुत ज्यादा लग जाता है और मशरूम की जड़ के कटने का डर भी होता है, जिसके लिए इन चैम्बर में मशरूम हार्वेस्टर मशीन लगाई जाती है। जब ये मशरूम पूरी तरह से उग जाते हैं तो ये मशीन इन मशरूम को काट कर कन्वेयर बेल्ट पर डालते जाती है। उसके बाद ये मशरूम कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे पहुंचते हैं, जहां इनमें से खराब मशरूम को अलग करके अच्छे मशरूम को पैक कर दिया गया है। ये मशीन मशरूम को इस तरीके से काटती है कि मशरूम की जड़ बर्बाद नहीं होती, जिसकी वजह से वहां दोबारा मशरूम उग जाती है। ओवरटैक। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जिनके अंदर अंडों का इस्तेमाल किया जाता है, और जब अंडों से रिलेटेड फूड काफी बड़े पैमाने पर बेकरी में बनाए जाते हैं तो बहुत ज्यादा अंडों की जरूरत होती है, लेकिन अंडों को हाथों से तोड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इसी काम के लिए इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए मशीन अंडों को दोनों साइड से मजबूती से पकड़ लेती है और फिर इस मशीन के बीच में नीचे से धारदार ब्लेड निकलती है जो अंडों को काट देती है। इसके बाद मशीन के साइड में लगे टूल्स अंडे के दोनों पार्ट को अलग अलग साइड में फेंक देते हैं और अंडे में से निकला मटेरियल मशीन में आगे की तरफ अपने आप ही फिसलता जाता है। इस मशीन की अलग डिजाइन की वजह से अंडे की जर्दी और अंडे के लिक्विड पार्ट को अलग अलग कर लिया जाता है, जिससे अंडे के इन दोनों मटेरियल को अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। बैकोन केक डेकोरेटर। दोस्तों, केक बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और साथ ही साथ केक बनाते समय बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है, ताकि केक का शेप और साइज खराब ना हो। दोस्तों, इसी काम को आसान बनाने के लिए शानदार मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन की मदद से अब केक बनाने में घंटों का समय बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि ये मशीन केक की लेयर्स पर बिल्कुल बराबर मात्रा में क्रीम लगाने का काम बखूबी करती है। हालांकि इसमें एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है ब्रेड के लेयर्स को रखने के लिए, और जब लेयरिंग का काम पूरा हो जाता है तो ये मशीन पूरे केक के एक्सटर्नल हिस्से में लगने वाली क्रीम को बड़ी सफाई से लगा देती है। उसके बाद इस मशीन के दूसरे पार्ट की मदद से केक के ऊपर बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बड़ी आसानी से बना दी जाती है। आइसक्रीम मेकिंग। दोस्तों, आइसक्रीम के कोन को बनाने के लिए इस शानदार मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले इस मशीन में गर्म तवे के ऊपर गीले फूड इंग्रेडिएंट को लगातार एक बराबर मात्रा में गिराया जाता है, साथ ही इस मशीन के ऊपर का भाग इसे अच्छी तरह दबाकर पका देता है। इसके बाद एक दूसरी मशीन इन्हें तुरंत ही खींचकर गोल शेप के कोन नुमा सांचों में डालते जाती है। इन कोन नुमा सांचों में गोल गोल घूमकर ये आइसक्रीम के कोन के शेप में बदल जाते हैं। उसके बाद इन कोन को इन सांचों में थोड़ी देर और पकाने के बाद धीरे धीरे बाहर निकाल लिया जाता है और फिर इन बने हुए कोन को आगे आइसक्रीम बनाने की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। काटा 27। ये मशीन आइसक्रीम कोन को सबसे जल्दी भरने का काम करती है, जिसके लिए इस ऑटोमेटिक मशीन में आइसक्रीम के कोन को रख दिया जाता है। उसके बाद इस मशीन के ऊपर लगे भाग आइसक्रीम का मटेरियल कोन के अंदर बिल्कुल बराबर मात्रा में भरते जाते हैं और दूसरी साइड में मशीन भरी हुई कोन को उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर रखते जाती है। इतना ही नहीं, बल्कि इसके बाद इन आइसक्रीम को उल्टा करके इनकी टेस्टिंग की जाती है, ताकि आइसक्रीम पिघल के इधर उधर न फैल जाए, और फिर इन आइसक्रीम को पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। ये मशीन एक घंटे में तकरीबन 3000 कोन पैक कर देती है। गिल्स अनियंस। दोस्तों, लोग प्याज खाना जितना ज्यादा पसंद करते हैं, उतना ही झंझट और आंसू भरा काम होता है प्याज को काटना, तो इसलिए कई देशों के लोग कटाखटाया प्याज खरीदना पसंद करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले ये मशीन प्याज की जड़ों को काट कर अलग कर देती है। उसके बाद इस मशीन में लगे रोलर प्याज के ऊपर से छिलका निकालते जाते हैं
और मशीन के साथ काम कर रही लेबर इस बात का खास ख्याल रखती है कि सभी प्याज के छिलके उतर गए हों। इसके बाद इन प्याज की धुलाई होती है और फिर बारी आती है इन प्याज को उनकी शेप के बराबर के सांचों में रखने की, जो काम वर्कर्स बहुत ही सफाई के साथ करते हैं। जिसके बाद इस मशीन में लगे ब्लेड प्याज को पतली पतली स्लाइस में बड़ी सफाई के साथ काट देते हैं और फिर इनको डिब्बों में भरकर बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। फ्रेटेली इन डेलिकेटो, अगर आपसे अनानास का जूस निकालने के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात है, लेकिन वहीं अगर ये कह दिया जाए कि आपको 1000 या 2000 अनानास का जूस एक बार में निकालना है तो यकीनन आपके पसीने छूट जाएंगे। तो इसी काम को आसान बनाने के लिए इस शानदार मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एडवांस मशीन सबसे पहले इन अनानास को पानी से धोकर इन्हें आगे भेज देती है, जहाँ पर अनानास के बारीक पत्तों की छटाई करके और ज्यादा साफ किया जाता है। उसके बाद बारी आती है अनानास से जूस निकालने की, तो इसके लिए इस मशीन में बड़े बड़े बेलन जैसे पहिए लगातार घूमते जाते हैं, जिसमें एक के बाद एक अनानास का जूस निकलता जाता है और ये जूस एक कंटेनर में इकट्ठा होता जाता है और जूस निकालने के बाद जो मटेरियल बचता है उसे ये मशीन एक साइड में जमा करते जाती है। इसके बाद ये मशीन बचे हुए छोटे छोटे छिलकों को दोबारा मशीन में डालकर उन्हें क्रश कर देती है ताकि बचा हुआ जूस भी निकाला जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मशीन से निकाले हुए जूस को छानने की जरूरत भी नहीं होती। एम्ब्रू पिज्जा मेकिंग, दोस्तों क्रांतिकारी मशीन पिज्जा बनाने का काम करती है, जिसके लिए इस मशीन के एक तरफ गूंथे आटे को डाला जाता है, जहां से आटे की पतली लेयर निकलती है और फिर आटे की इस पतली लेयर को मशीन के कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है और इस लेयर के आगे बढ़ते ही मशीन में लगे गोल सांचे इस आटे को पिज्जा की शेप में गोल गोल काटते जाते हैं। इसके बाद मशीन के ऊपर लगे पाइप पिज्जा की चटनी को पिज्जा के ऊपर गिराते जाते हैं और फिर आगे मशीन के ऊपर लगे दो रोलर पिज्जा के ऊपर गोल गोल घूमकर चटनी को अच्छी तरह से फैला देते हैं, जिसके बाद इसे आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। बेकरी मेकिंग, दोस्तों इस फैक्ट्री में चॉकलेट वाले ब्रेड को बनाया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले आटे को गूंथा जाता है, फिर गूंथे हुए आटे को सीधा करके लपेटा जाता है और इस लपेटे हुए आटे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। इसके बाद वर्कर अपने हाथों से इसे दिल के शेप का बना देते हैं और फिर जब ये पक जाते हैं तो कर्मचारी ने पकड़ पकड़ कर चॉकलेट से भरे बर्तनों में डुबो डुबो कर इनके एक सिरे को चॉकलेट से सजा देते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं होते बल्कि खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। सानोवो, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, लेकिन क्या हो अगर आपको अंडे बाजार से ही उबले हुए मिले, तो इसी काम के लिए इस लेटेस्ट मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि सबसे पहले ये मशीन धीरे धीरे चलते हुए सभी अंडों को उबलते हुए पानी में डालती जाती है। इसके बाद टाइमर सेट किया जाता है और जब अंडे उबल जाते हैं तो इस मशीन के अगले भाग की मदद से उन अंडों को गर्म पानी से बाहर निकाल कर उन्हें नॉर्मल पानी में डाल दिया जाता है। उसके बाद इन अंडों को इस मशीन के अगले भाग की मदद से एक सीधी लाइन में लगाकर मशीन के मेन हिस्से में भेजा जाता है, जिसमें लगे हुए तारों की मदद से अंडों को बहुत ही सफाई के साथ छीला जाता है। ये मशीन इस काम को इतनी ज्यादा तेजी और सफाई के साथ करती है, इसके बावजूद एक भी अंडा बर्बाद नहीं होता और मशीन के एक तरफ से छीले हुए अंडे स्टोर किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ से छिलके बाहर की तरफ कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, है ना कमाल की मशीन। टीपीसी पैकेजिंग सॉल्यूशंस, दोस्तों तरबूज को छीलना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन इसी काम को ये मशीन बहुत आसानी से कर देती है। इस मशीन में तरबूज को रखने के बाद मशीन में दोनों साइड में लगे आर्टिफिशियल हैंड्स तरबूज को मजबूती से जकड़ लेते हैं, जिसके बाद तरबूज को जोर जोर से गोल गोल घुमाया जाता है। इसी के साथ दूसरी तरफ से दो और आर्टिफिशियल हैंड्स आते हैं जिनके अंदर ब्लेड लगा होता है, जो इस गोल घूमते तरबूज के मोटे छिलके और पतले छिलके को पूरा घिस कर निकाल देती है। दोस्तों, तरबूज के अंदर का लाल वाला हिस्सा जूस और अलग अलग फूड आइटम्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लॉलीपॉप पैकिंग मशीन, दोस्तों लॉलीपॉप बनाना तो काफी मुश्किल काम होता ही है, साथ ही इन्हें पैक करना भी दिमाग को थका देने वाला काम होता है, लेकिन इसी काम को काफी आसान बना देती है ये एडवांस मशीन, जिसके लिए सबसे पहले बनाई हुई ढेर सारी लॉलीपॉप को इस मशीन में डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये ऑटोमेटिक मशीन अपने आप ही इन लॉलीपॉप को उठा उठा कर लाइन में लगाते जाती है और फिर आगे यही मशीन इन लॉलीपॉप के ऊपर रैपर को लपेट कर बाहर निकालते जाती है। टॉफी मेकिंग मशीन,
दोस्तों आपने टॉफी तो कभी ना कभी जरूर खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा इन टॉफियों को बड़ी बड़ी फैक्ट्री में आखिर कैसे बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, टॉफियां बनाने के लिए सबसे पहले चीनी और फ्लेवर के साथ साथ दूसरे फूड इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार किया जाता है, जो कि हर एक कंपनी का अपना अपना अलग अलग होता है। इसके बाद इस मिक्सचर को इस मशीन में डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन इस मिक्सचर को टॉफी का शेप देकर बड़ी तेजी के साथ पैक करके बाहर निकालते जाती है। दोस्तों अब चाहे कोई भी टॉफी बनानी हो या कोई भी कैंडी बनानी हो, इसी तरीके से बनाई जाती है। बस जो भी कैंडी बनानी हो उसके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से उसका मिक्सचर तैयार करके मशीन में डालना होता है, जिसके बाद ये मशीन बड़ी तेजी के साथ बहुत सारी कैंडीज तैयार कर देती है। बिस्किट मेकिंग मशीन। दोस्तों ये शानदार मशीन बिस्किट बनाने का काम करती है, जिसके लिए सबसे पहले बिस्किट के मिक्सचर को तैयार करके इस ऑटोमेटिक मशीन के कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है और उसमें बिस्किट का साइज और वजन सेट कर दिया जाता है। अब मशीन इस मिक्सचर की लेयर को बिस्किट के दिए शेप में काट देती है, जिसके बाद बिस्किट आगे चले जाते हैं और बचे हुए मिक्सचर का हिस्सा एक साइड में जमा हो जाता है। बिस्किट के आगे जाने के बाद ये मशीन उनमें छोटे छोटे छेद कर देती है। ये छेद इसलिए किए जाते हैं ताकि बिस्किट की जब सिकाई हो तो वो फूले ना और हर एक बिस्किट सेम शेप में बने। और जब ये बिस्किट गर्म सिकाई होकर निकलते हैं तो ये पूरी तरह से पैकिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। टेक्स्टो। दोस्तों चीज को तो सब लोग बड़े चाव से खाते हैं। पिज्जा, बर्गर, सैंडविच में चीज का इस्तेमाल करने के दौरान लोग और ज्यादा चीज डालने की फरमाइश करते हैं, लेकिन अगर आप घर पर चीज को चाकू की मदद से काटने की कोशिश करते हो तो कभी मोटा तो कभी ज्यादा पतला कट जाता है। इसी काम के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन चीज को स्लाइस में काटने का काम करती है। ये मशीन चीज को बड़ी तेजी के साथ स्लाइस में काटती है। इतना ही नहीं बल्कि हर एक स्लाइस को बिल्कुल बराबर साइज में भी काटती है। वेजिटेबल्स मेकिंग। दोस्तों शादी ब्याह में या किसी बड़े होटल में जब बहुत सारा खाना बनाने के लिए सब्जियां काटने का काम हो तो बहुत सारे लोगों की जरूरत लगती है, लेकिन ये मशीन इस काम को कुछ ही मिनट्स में कर देती है। इसके एक सांचे में सब्जियों को लंबे लंबे टुकड़ों या फिर स्लाइस में काटा जा सकता है। वहीं इसके दूसरे सांचे में ये मशीन सब्जियों को छोटे छोटे और स्क्वायर शेप में भी काटती है, जिसके लिए सिर्फ सब्जियों को धोकर इस मशीन के मुंह में डालना होता है और ये मशीन बड़ी तेजी से इन सब्जियों के टुकड़ों को काटकर बाहर निकालती है। गुलाब जामुन मेकिंग। दोस्तों फैक्ट्री में काफी बड़े पैमाने पर तेजी के साथ गुलाब जामुन बनाने के लिए मावे और पनीर का मिक्सचर तैयार करके इस मशीन में डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन इस मिक्सचर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इन्हें प्रेस करके गोल गोल शेप में बना देती है। इसके बाद इन्हें तेल में पकाकर डिब्बों में पैक कर दिया जाता है। दोस्तों हमारी मेहनत का फल देने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।